नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कांग्रेस सेवा दल ने किसान विरोधी कृषि बिल को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सागर जिला शहर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सिंटू कटारे ने नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम सागर जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश संयोजक विजय साहू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल को हम लोग विरोध करते हैं, साथ ही संपूर्ण देश में हो रहे किसान आंदोलन व उनके संघर्ष का समर्थन करते हैं। किसानों की चिंताएं, उनकी मांगे वास्तव में लोकतंत्र और देश के हित में है। उक्त तीनों बिल वास्तव में किसान हितेशी बिल ना होकर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हितों में पारित किए गए हैं। इन बिलों से देश का सामाजिक और आर्थिक प्रजातांत्रिक ढांचा कमजोर होगा। देश की बहुसंख्यक आबादी जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है, एक तरह से पूंजीपतियों की गुलामी बढ़ेगी। कृषि सुधार के नाम पर लाए गए उक्त विधेयक वास्तव में किसान व कृषि क्षेत्र के विरोधी हैं। इस वजह से यह तीनों के साथ समाप्त किए जाएं। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हिंदुस्तान में हमारा अन्नदाता बहुत परेशान है। जो केंद्र सरकार द्वारा नई कृषि नीति लगाई गई है, उससे हमारा अन्नदाता अपने आप को गुलामी की ओर समझ रहा है, क्योंकि जो भी अनाज की मंडियां बंद की जा रही हैं, स्वयं के द्वारा खरीदारी पर पूंजीपतियों के हिसाब से उनको माल बेचना पड़ेगा, भाई अपने मनमाने ढंग से माल भी नहीं बेच पाएंगे। इन तीनों चीजों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई, राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी और केंद्र सरकार हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदरणीय रजनीश सिंह जी की मंशानुरूप हम लोग पूरे मध्य हिंदुस्तान भर में कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से इस नई कृषि नीति का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इस चित पर अड़ी हुई है कि हम कृषि मंडियां बंद करके और किसानों का माल स्वयं अपने पूंजीपतियों द्वारा खरीदा जाएगा, अंबानी अडानियों को लाभ देने के हिसाब से यह जो नीति लगाई गई है, समस्त कांग्रेस परिवार और कांग्रेस सेवा दल इसका विरोध करता है। अगर आपकी मांगे मानी नहीं जाती तो हमारी मांगे नहीं मानी। हिंदुस्तान लेवल पर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हमारे जो सिंटू कटारे हैं, सागर से शुरुआत करेंगे और सागर से यह शुरुआत दिल्ली तक आग लगाएगी। हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। हम लोग सभी किसानों के हित में काम करेंगे और किसान के साथ।